हेलो फ्रेंड, आज बनाऊंगी खीर, चावल का खीर बनाऊंगी मैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, काजू, बादाम, किशमिश और कटा हुआ नारियल। और ये राइस है, इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। और यह है चीनी, शुगर। देखिए, ये मैंने कोकोनट को मैंने कट कर लिया है, इन सारे को मैं कट कर लूँगी अभी। सारे ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा कट कर लूँगी नाइफ से मैं। इसके बाद मैं दूध को गर्म कर लूँगी बॉइल्ड आने तक। इसको गर्म करूँगी अच्छे से। देखिए, दूध हमारा ऊपर आ रहा है, ये गर्म हो चुका है दूध मेरा। तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स को कट भी कर रही हूँ दूसरे साइड। जब तक दूध गर्म हो रहा था, देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। बादाम, काजू, किशमिश को नहीं कट किया है, और सारे कट कर लिया मैंने। और दूध देखिए गर्म हो चुका है, पूरा बॉइल्ड हो चुका है अच्छे से। इसके बाद मैं राइस को मिक्स कर दूंगी, जो आधे घंटे पहले मैंने पानी में भिगोया था। पानी नहीं डालना है इसमें, बस राइस डालना है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और हर 2 मिनट बाद इसको चलाना है, जब तक दूध और चावल एक साथ मिक्स ना हो जाए। इसको गाढ़ा कर लेना है दूध को। इसके बाद मैं इसको ड्राई फ्रूट डाल दूंगी सारा कटा हुआ। ड्राई फ्रूट आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट जितना चाहें डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद ड्राई फ्रूट होने डालने के बाद मैं इलायची को कूट के डाल दूंगी मैं। देखिए अभी कितना अच्छा ये अभी तैयार हो गया है। अभी दूध को थोड़ा और जलाना है। मैं शुगर भी ऐड कर दूंगी साथ में। शुगर को लास्ट में ही ऐड करना होता है, जब तक दूध थोड़ा बचा हो तभी। इसको भी मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी, शुगर डालने के बाद, चीनी डालने के बाद 5 मिनट। इसके बाद लास्ट में मैं इलायची डाल दूंगी, ये फ्लेवर के लिए होता है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खीर का, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं मिक्स कर लूँगी इन सबको। लगभग खीर हमारा रेडी हो गया है। अभी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अभी मैं सर्व कर लेती हूँ एक बाउल में। देखिए, दूध और साला एक में कैसे मिला हुआ है। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, काजू, बादाम, जो भी आप डालना चाहें। अभी ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही यमी बना है ये। And thanks for watching my videos. Thank you.